हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। गाइस, आज आने वाला है लैपटॉप और वो आ भी चुका, नीचे खड़े हैं। तो चलो चलते हैं और जो डिलीवरी वो ले लेते हैं। अपने कैश ऑन डिलीवरी था, तो ये देखो कैश। आर यू एक्साइटेड? यस यस, व्हाई नॉट। बहुत डिले हो गया, कल नहीं था ना। अच्छा, ऑफ था। प्लीज चेक। गाइस, लैपटॉप रिसीव हो चुका है, ये देखो। और इसको अच्छे से आप शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लैपटॉप अभी चार्ज नहीं है, मैं वहां पे भी नीचे भी ऑन करने का कोशिश किया लेकिन ऑन नहीं हुआ। अभी मैं इसको चार्ज में लगाता हूं। तो गाइस, ये इतना लंबा वायर दिया गया और ये लैपटॉप अभी बूट हो रहा है, ठीक है? पूरा सेटअप अभी करूंगा। तो फिलहाल गाइस, तब तक मैं इस लैपटॉप का हाइलाइट्स क्या क्या वो बता लेता हूँ। ये देखो, ये खाली में। गाइस, इस लैपटॉप में अब क्या क्या हाइलाइट्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला हाइलाइट इस लैपटॉप में ये है, 15.6 इंच का डिस्प्ले है और 300 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, जो कि बहुत ही अच्छा मिला है इस लैपटॉप में। ऐसे ये लैपटॉप सिर्फ प्रोसेसिंग और मल्टीमीडिया पर्पस ही यूज किया जाएगा, क्योंकि इसमें इंटेल i3 का 11th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, ठीक है? और जैसे कि इस प्रोसेसर में गाइस ज्यादातर आप एडिटिंग कर सकते हो थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मतलब मल्टीमीडिया पर्पस से 1080p का ये डिस्प्ले मिलता है ना, तो इसमें आप अच्छा मल्टीमीडिया कंज्यूम कर सकते हो। बैटरी बैकअप का अगर बात करूँ तो गाइस इसमें बैटरी बैकअप मिल जाता है, ठीक है? पावर सप्लाई 65W का एडाप्टर मिल जाता है आपको, लेकिन गाइस इसमें एमएस ऑफिस नहीं मिलता है। एमएस ऑफिस इसको अलग से परचेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने खरीदा तो इसमें 6 मंथ का ऐसा फ्री ट्रायल मिला है मेरे को। एमएस ऑफिस का यही दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं। सॉफ्ट मेकर बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप अगर यूज करोगे तो उसमें भी एमएस ऑफिस का सारा काम हो जाएगा। एंड गाइस, इसमें 8GB रैम मिलता है और SSD 256 का मिल जाता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें गाइस विंडोज 11 होम मिला है। तो गाइस यहाँ पे 2 USB मिल जाते हैं, यहाँ पे 1 USB है और एक इस साइड है, और गाइस यहाँ पे 1 USB मिल जाता है। ये 3.0 का USB पोर्ट है। तो गाइस यहाँ पे HDMI का एक 1.4 का पोर्ट मिल जाता है। और गाइस ये जो कीबोर्ड आपको दिख रहा है ये बैकलिट कीबोर्ड है, लेकिन इसमें गाइस नमपैड मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, देखने में यूनिक लगता है। और गाइस ये जो टच पैड है, टच पैड बहुत ही बड़ा मिला है यहाँ पे। यहाँ पे 2 बटन देखने को मिल जाता है, राइट लेफ्ट। यहाँ एक वेब कैम मिलता है जो कि 1080p फुल HD वेब कैम मिल जाता है आपको। और गाइस इस लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो गाइस ये जो पूरा लैपटॉप आपको दिख रहा है ये पूरा एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और पूरा बॉडी मेटल का है, और गाइस ये वन हैंड ओपन भी हो जाता है। ये देखो, इसमें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ना कंपनी के द्वारा, बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक हाथ से खुल जाता है। ये लैपटॉप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे फोटोशॉप, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह भी चल जाता है। लेकिन गाइस मैं इसमें गेम इंस्टॉल करके आपको दिखाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप मेरा नहीं है, ये मेरे मामा का है, जो कि अभी मैं कुछ कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं जितना भी है जैसा भी आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ,
ठीक है। इसमें वारंटी का अगर बात करूँ तो गाइज कंपनी जो है वो एक साल का वारंटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बस यही था गाइज, और छोटा मोटा अगर कुछ चीज अगर मैं भूल गया तो भाई माफ करना भाई, मैं उतना प्रोफेशनल हूँ नहीं, जो आता है मैं पहले तो देखो फ्लिपकार्ट जो स्पेसिफिकेशन देता है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये रहा पूरा चार्ट, यहाँ से मैं देख के आपको जो भी है वही बताया, ठीक है। और रिव्यू बहुत ही अच्छा मिला था इसलिए मैं इसको ऑर्डर किया। मैं नहीं, मामा का चॉइस है, मेरा चॉइस नहीं है। मेरा चॉइस मतलब मामा अपने हिसाब से जो भी चॉइस किए हैं वही ऑर्डर किया गया था मेरे अकाउंट से, तो ये आया। और जैसा कि आपको दिखा कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, अभी चल रहा है फिलहाल, चार्ज नहीं था तो चार्ज में डाला हूँ, चार्ज हो रहा है। और अभी क्या करना है वो थोड़ा बहुत सेटअप वगैरह करना है, मतलब जैसे कि अकाउंट वगैरह देना है, ये सब थोड़ा दे जाके थोड़ा एकदम मेन इंटरफेस में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये रहा 1080p का वेब कैमरा, ओहो जो भी है गाइज, ये देखो आपके पास क्वालिटी है जैसे कि आपको दिख रहा है। तो गाइज मम्मी यहाँ पे कैमरा चेक कर रही थी, ये देखो, और कैमरा बहुत सही है भाई इस लैपटॉप का। तो गाइज सेटअप कंप्लीट हो चुका है गाइज, और इस लैपटॉप में गाइज आपको वाईफाई 5 मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है। तो मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, तुरंत कनेक्ट हो गया गाइज। और अभी एक काम करते हैं, इसका जो साउंड क्वालिटी स्पीकर होगा वो भी देख लेते हैं। चलो, इसमें क्रोम नहीं था, VLC नहीं था, बस थोड़ा बहुत था जो था वो डाउनलोड किया मैं। और अभी क्रोम में जाके यूट्यूब में जाके कुछ गाना सुन लेते हैं। तो गाइस ऐसा साउंड क्वालिटी है, अब डिसेंट सा साउंड क्वालिटी है। और इसका जो कैमरा भी आपको दिखा है, कैमरा भी बहुत डिसेंट सा है। और एक गाइस मैं इस लैपटॉप में थोड़ा बहुत सोचा था गेम वूम थोड़ा डाल के मतलब ट्राई करना चाहता था, लेकिन ये मामा का लैपटॉप है ना तो मैं ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने देखा हूँ किसी और का वीडियो में भी देखा हूँ कि GTA 5 लो सेटिंग में चल जाता है, ठीक है। उन लोगों के लिए लैपटॉप है गाइस जिन लोगों को थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क करना है या फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करना है, जैसे कि मतलब थोड़ा बहुत चल जाएगा एडिटिंग, मतलब थोड़ा घिस घिस के चलेगा तो लटक लटक के चलेगा, लेकिन चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं चलेगा। लेकिन ये लैपटॉप पूरा ही अगर एक बार पूरा टोटल में आपको बात करूँ तो गाइस ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीडिया पर्पस है। अब इसका सर्विस सेंटर क्या है वो नहीं पता मेरे को, अब मेरे को नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आने वाला है इस लैपटॉप में, ठीक है। मतलब जिनके लिए लैपटॉप खरीदा गया है तो वो ज़्यादा हैवी यूज़ करेंगे नहीं, बस थोड़ा बहुत मतलब ऑफिस काम रहता है, ऑफिस में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत काम करना होता है, तो वैसे एक्सेल वगैरह है वही सब करेंगे और क्या। लेकिन इसमें MS ऑफिस प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन जब आप पहली बार खरीदोगे तो 6 मंथ का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, ठीक है। तो अभी 6 मंथ का फ्री यूज़ कर सकते हो, फिर उसके बाद खरीदना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। उसके लिए भी मैं बोला हूँ ना, ऑल्टरनेटिव है सॉफ्टमेकर आप डाउनलोड करके एक्सेल MS वर्ड ये सब यूज़ कर सकते हो, पावर पॉइंट ये सब भी यूज़ हो जाता है। यार गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस हमें भी अब धीरे धीरे पता चल रहा है इसमें क्या क्या फीचर्स है। अभी जैसे कि देखा तो यहाँ पे देखो सामने 2 फ्लैश भी मिलता है, कैसे ऑन किया रे, हैं कौन सा सिस्टम, ये थॉमसन की और स्पेस बटन। दो फ्लैश लाइट भी मिल जाता है गाइस, अब क्या ही बोले। गाइस 8GB का रैम है और यहाँ पे 4GB यूज़ हो रहा है बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3.7GB का अवेलेबल बता रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे CPU ज़्यादा एंगेज नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा CPU का परसेंटेज बताएगा तो फिर दिक्कत आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़्यादा भी है नहीं, 10% बस यूज़ हो रहा है, 7% यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो फीचर्स भर भर के डाला गया है, लेकिन मैं फिर दोबारा से बोलूँगा गाइस, ये लैपटॉप गेम खेलते हैं या फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग करना चाहता है अपने यूट्यूब वीडियो को
तो उन लोगों के लिए है नहीं, ये बस ऑफिस वर्क, छोटा मोटा काम या थोड़ा मल्टी मीडिया देखना है बस। कोई मेरे को ये मत बता देना कि भाई आप लैपटॉप ले हो, अच्छा लैपटॉप ले सकते थे यहाँ से, लेकिन मेरा लैपटॉप ये है नहीं, मेरे मामा का लैपटॉप है, मामा खरीदें, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदें, ठीक है।